SJVN की देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 15 मेगावाट की नाथपा झाड़की के विद्युत गृह आपदा से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों ने संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास किया, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा की सूरत में सामूहिक रूप से सभी एजेंसियां आपसी समन्वय बनाकर बेहतर काम कर सके। इस दौरान SDM रामपुर यादवेंद्र पाल, नाथपा झाकड़ी परियोजना प्रमुख RC नेगी व सेना एवं अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान NDRFA, ITBP, ACISF व आर्मी के जवानों ने आपदा का सीन क्रिएट कर विद्युत गृह में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सभी एजेंसियों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान यह भी पता लगाया गया कि किसी भी आपदा की सूरत में कौन से तकनीक एवं सुविधाएं किस एजेंसी के पास है, आपदा में उसका उपयोग कैसे हो सकता है, परीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास से भविष्य में किसी भी आपदा से निपटने के लिए त्वरित एक्शन कैसे हो सकता है, इसका एक नमूना पेश किया गया। संभावित आपदाओं से जुड़ा क्षेत्र होने के कारण हर समय एजेंसी आपदा से बचाव एवं राहत के लिए तैयार हो सके, इसे भी सुनिश्चित किया गया। महसूस की जाएगी, ऑब्जर्व की जाएंगी, उसके लिए भी ऐसे भी इनको कन्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में जो जो आज कमियाँ रहेगी होंगी वो सारी दूर हो, और इससे काफ़ी लाभ होगा प्रिपेयर्डनेस के लिए। ठीक है, किस एजेंसी ने क्या कार्य करना है इसका पूर्णतया ज्ञान हो। हम रिलीफ तभी दे सकते हैं यदि हम इस दौर से गुजरेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे और आपस में तालमेल हमारा रहेगा, क्योंकि चाहे जान माल का नुकसान हो, चाहे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, सभी चीज़ें राष्ट्र से जुड़ी है, राष्ट्रहित से जुड़ी है, ये उनका विश्वास था। इसी मंत्र को लेके हम आज यहाँ एकत्रित हुए और जो भारतवर्ष की एजेंसी है NDRF, उन्होंने ये बताया कि हम किस आपदा में कैसे कैसे कार्य करते हैं और इसके क्या क्या रूल्स हैं और कैसे कैसे हम एजेंसीज़ को बताते हैं, ताकि मिनिमम समय में मैक्सिमम कार्य करें और जो नुकसान है वो कम से कम, ऐसा इसका आज का उद्देश्य था।